अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मैं आपके लिए कीमा प्याज की बहुत ही अच्छी मज़ेदार टेस्टी किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। देखें माशाल्लाह कितने मज़े का बना और इतना टेस्टी। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने प्याज लाल कर लिए, दो बड़ी बड़ी प्याज ली थी, मैंने उसको लाल कर लिया अच्छे तरीके से। और लाल करने के बाद अब मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। ये कीमा था आधा किलो, वो मैंने इसमें ऐड किया और ऐड करके मैंने इसको भून लिया ताकि इसका कलर अच्छे तरीके से चेंज हो जाए। इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और उसमें बाकी सब मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैंने इसमें ऐड किया। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दो दिन वीडियोस भी नहीं मुझसे बन सकी और ना मुझसे एडिटिंग होके लग सकी। थोड़ी मैदे में दर्द हो रही थी मेरे इस वजह से। और बाकी इसमें मसाला जात हम ऐड करेंगे। अब इसमें सब मसाला जात भी ऐड कर लिया और इसको अच्छे तरीके से भून लिया। और ये मैंने कीमे में काट के प्याज डालने के लिए रखी हुई है। बहुत बारीक बारीक काटनी है आपने, यूँ ही मोटी मोटी प्याज नहीं काटनी है। और अगर प्याज को लच्छे की सूरत में काटेंगे ना तो वो बहुत अच्छी रहती है और जल्दी मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ना टमाटर डालने भूल गए थे, वो मैंने बाद में ऐड कर दिया। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से उसको भून लिया था, कीमा गल गया था। उसके बाद मैंने उसमें प्याज ऐड की है और फिर इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आग पे आपने इसको रख देना है। और ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े का यम्मी कीमा प्याज की रेसिपी आपके सामने हाजिर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।